रहते हैं। तो आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे जितने भी डायमंड क्लब है जहां भी बैठे हुए हैं वो हम सबका स्वागत करते हैं। साथियों, आज का हमारा जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। आप सारे लोग डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर के अपनी फैमिली के साथ बैठ जाइए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और आज हम में से बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मुट्ठी बांधने वाले हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में हम जिस व्यक्ति को मैं आपके बीच में लेकर के आने जा रहा हूं, आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे महाब्लास्ट के साथ हो रही है, जिसको सुनने के बाद, जिनको देखने के बाद हर आदमी मुट्ठी बांधने वाला है, क्योंकि एक ऐसे अचीवर को आपके बीच में लेके आने चाहता हूं, लेके आने जा रहा हूं मैं। जैसे उनके जैसे अचीवर, यदि मैं पूरी सेब सोप की बात करूं तो चंद अचीवर्स हैं जो निकल करके आएंगे। आज उन्होंने एक आम व्यक्ति से एक बहुत बड़े अचीवर बनकर के इस सेब सोप में दिखाया है। और पर्सनली मैं उनको पहले दिन से जानता हूं, जब वो पैदल आया करते थे वहां से उन्होंने आज इतना बड़ा सफर तय किया है। साथियों, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे गजब के शानदार लीडर को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है सेफ शॉप में, अपने आप को कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए उन हर परिस्थिति से निकल करके अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो साथियों, इस पूरे अल्टीमेट अचीवर के बिहाव पर आप सबका साथ लेते हुए मैं एक ऐसे गजब के शानदार लीडर को कॉल करने जा रहा हूं, जिनको हम सुनने के बाद आज बहुत सारे लीडर है जो मुट्ठी बांधने वाले हैं और बहुत सारे लोगों का बड़ा विजन होने वाला है। तो साथियों, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम बुलाना चाहते हैं हमारे ट्रिपल डायमंड बिकम ए वीनस लीडर और बहुत ही बड़े अचीवर, प्लीज वेलकम श्री ताराचंद वर्मा जी। स्वागत है ताराचंद जी आपका। थैंक यू वेरी मच सर, रामकृष्ण सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे सारे ग्रेट मेंटर्स को मैं प्रणाम करता हूं आज की सुबह सुबह, सभी को चरण स्पर्श। ग्रेट मेंटर हैं, सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी की, ऐसी महान पर्सनालिटी का, जिन्होंने एकदम एक सैनिक से एकदम फोर्ब्स पत्रिका तक का अपना सफर तय किया और हिंदुस्तान के एकमात्र इकलौते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है ना, जिन्होंने एकदम बन के दिखाया और एक बहुत बड़ी सोच दी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का और धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना बड़ा सोच दी हमें, इतनी बड़ी प्रेरणा दी। उसके बाद में साथियों, मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे अल्टीमेट अचीवर के दोनों रचयिता, निर्माणकर्ता, फाउंडर, जिन्होंने अल्टीमेट अचीवर जैसे ग्रुप का निर्माण किया, ऐसी सोच दी जिस सोच को लेके मेरे जैसे हजारों लाखों युवा रोज मोटिवेट होते हैं, कसम खाते हैं बड़ा काम करने की और इस जिंदगी को महान बनाने का एकदम लगातार प्रयास करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा महागुरु जी, आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम, सत सत नमन और सैल्यूट करता हूं कि ऐसी सोच हम लोगों को दी है ना। तो वेलकम है श्री सुनेरी लाल जी और महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में मैं साथ ही स्वागत करना चाहूंगा हमारे अल्टीमेट अचीवर के सबसे बड़े पिलर, हमारे तीनों क्राउन एम्बेसडर, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी हार्डवर्क से और अपनी सोच से इस अल्टीमेट अचीवर को लगातार सींचा, लगातार मेहनत करके यहाँ तक लेके आए। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा श्री हरिशंकर जी, जो कि मेंटर है मेरे और इतनी बड़ी सोच रखते हैं, इतना बड़ा विजन रखते हैं, एक नॉर्मल से बैकग्राउंड के होने के बावजूद आज उन्होंने इतना बड़ा काम करके बताया। महागुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि आपने इतना बड़ा काम करके बताया, इतनी बड़ी सोच के साथ में आपने इस बिजनेस को खड़ा किया। उसके बाद में साथियों, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अल्टीमेट अचीवर के जोज के बादशाह और जिनको देख के कौन मोटिवेट नहीं होता, वो मेरे मेंटर हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री टिकेंद्र सर चौधरी साहब का, महागुरु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसकी वजह से हम जैसे हजारों लोगों की जिंदगियां बनी। और साथियों, मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे रिकॉर्ड ब्रेकर और रिकॉर्ड ब्रेकर और जिनका इतिहास में नाम है, मतलब जो है ना कि जो केवल इस सेफ शॉप में मतलब जो है बने ही है रिकॉर्ड बनाने के लिए, सारे रिकॉर्ड बड़े बड़े नाम है, तो उनके नाम है ना, मैं स्वागत करना चाहूंगा और जिनकी वीडियो को देख के, जिनको जब भी हम मतलब जो सुनते हैं तो तरंग पैदा हो जाती है, मोटिवेट मतलब मैं हो जाता हूं, तो ऐसे महान लीजेंड का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री योगेश यादव क्राउन लीडर, बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में साथियों, ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा है
हमारे अल्टीमेट अचीवर की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की लाखों युवाओं की मतलब प्रेरणा है, जिनको देख के लगातार लोग मोटिवेट होते हैं, जिनको देख के लगातार लोग कस्में खाते हैं, जिनको देख के लगातार लोग बड़ा काम करने का फैसला लेते हैं। ऐसे महान लीजेंड्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज की मॉर्निंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ ग्रेट लीडर, मर्ग लीडर श्री पवन यादव सर, बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी, जिनको देख के मतलब मैं लगातार प्रेरित होता हूँ। बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं ग्रेट सर आप, और आपने रियली में बहुत बड़ा काम करके अल्टीमेट अचीवर में बताया है, जिसको लेके लगातार हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। और उसके बाद में मैं स्वागत करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे महान लीडर का, ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी का, जिनको मैं शुरू से लगातार फॉलो करते आया हूँ, जिनको सुन के लगातार मोटिवेट होते हैं हम लोग, जिनको सुन के लगातार हम बहुत बड़ा काम करने का मतलब जो ना कि डिसीजन लेते हैं। ऐसे महान योद्धा का मैं स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री ग्रेट लीडर, मर्ग लीडर श्री रामकिशन यादव जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा काम करके हम लोगों को बताया। उसके बाद में मैं ऐसे महान योद्धा और अल्टीमेट अचीवर कैसे बोला जाते हैं, वो खली बली महाबली हैं और आर्मी बैकग्राउंड से को उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान अल्टीमेट अचीवर के अंदर करके बताया, पूरी दुनिया उनकी कायल है, लगातार उनको मतलब सुनने के लिए हम प्रेरित रहते हैं। ऐसे जो ऑल टाइम 24 आवर्स जो लगातार मोटिवेट रहते हैं, हमेशा करंट में रहते हैं, ऐसे जुनूनी लीडर का मैं स्वागत करता हूं ग्रेट मर्करी लीडर श्री नाजवंश नागल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ग्रेट सर, बहुत बहुत स्वागत है। और एक और हमारे धुआंधार लीडर हैं, बहुत ही सिंपल और सादगी पसंद इंसान, जिनको लगातार जिनके साथ मैंने काम किया, वो भी हमारे ग्रेट वीनस लीडर हैं श्री रामचंद्र वर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। ग्रेट मेंटर्स, आज मुझे मौका मिला है अपने बारे में बताने का, अपने टेस्टिमनी देने का, कैसे मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी है और कैसे मैंने जीरो से यहाँ तक इस बिजनेस जीरो से हीरो तक का सफर मैंने तय किया है। आज मुझे मौका मिला है तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा, और कैसे मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, कैसे मैंने एंट्री करी और कैसे क्या क्या करके मैंने इस बिजनेस के अंदर इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है, हमेशा मैं कृतज्ञ रहता हूँ इस बात का कि मुझे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ऐसी ग्रेट महान कंपनी मिली सेफ सॉप, जो करोड़ों लोगों को मतलब लगातार जिंदगी बदल रही है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा महान सिस्टम मिला जो अपनी अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालता है, जो चैलेंज से लड़ने का हमें पावर देता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो एक ऐसी मतलब जो है ना कि सोच रखता है, जो गरीबी के दलदल से रख के अमीरी की चादर तक ले जा सकता है, ऐसा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अल्टीमेट अचीवर्स ऐसा ग्रुप हमारा, ऐसी संगत हमें यहाँ मिलती है, ऐसी लगातार सोच हमें मिलती है जिसको लेके हम लगातार मतलब जो है ना कि मोटिवेट होते हैं और लगातार इस सिस्टम और बिजनेस में बने रहते हैं। मैं इन तीनों का बारी बारी धन्यवाद देता हूँ और हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ कि ऐसी तीन चीज मिली जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो साथियों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जैसा कि मेरा नाम तारा चंद वर्मा, और मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के तरफ जाएंगे। शाहपुरा का रहने वाला हूं मैं, दिल्ली रोड पे जाते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है छोटा सा और 50 लोगों की बस्तियां, जहां कच्चे घर हुआ करते थे पूरी बस्ती के अंदर, वहां का मैं रहने वाला। और मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ही पुअर, बहुत ही गरीब, और गरीब भी थे अच्छे खासे गरीब, बहुत बढ़िया गरीब थे, यानी कि गरीबी हमने भयंकर तरीके से देखी। साथियों, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का सपना था कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, साइंस बायोलॉजी मैंने ले लिया और जयपुर जाके मैंने तैयारी की और मेरे को एक धुन सवार हो गई, मेरे को भयंकर धुन सवार हो गई कि मैं डॉक्टर बनूं और एक अच्छा वाला डॉक्टर बनूं। इसकी वजह से घर वालों ने कहीं से भी कर्जा किया, जमीन भी बेची और 3-3 साल मैंने प्रिपरेशन की, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3-3 साल मैंने तैयारी की और मेरे को लगता था इस बार तो मेरा MBBS में सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन भगवान को मंजूर था, मुझे डॉक्टर नहीं बनाना चाहता था, मुझे डायमंड बनाना चाहता था, ऐसी शानदार जिंदगी देना चाहता था, मैं कर्तव्य भी रहता हूं। और ग्रेट मेंटर, मेरे को कभी मलाल भी नहीं होता इस बात का कि मैं डॉक्टर नहीं बना इतनी तैयारी करने के बाद में, अगर डॉक्टर बनना होता तो वहां पे PPT किट करके एकदम जो है इलाज कर रहा होता मरीजों का, लेकिन आज सुबह सुबह शानदार ऐसे ग्रेट मेंटर के सामने ऐसा शानदार मेडिटेशन होता, इस जीवन की तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी मैंने। और उसके बाद लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, आगे की पढ़ाई करी, मैं बता देता हूँ है ना, इतने लफड़े आने के बावजूद भी मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। उसके बाद मैंने आगे का एजुकेशन लिया, मैं BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास पास आउट आदमी हूँ है ना, मैं नागपुर चला गया है ना, और 2001 में देखो ये मेरा फर्स्ट ईयर का फोटो है, ये बीच वाला जो आदमी दिख रहा है वही है तारा चंद वर्मा, जो कि आज ट्रिपल डायमंड है
आना कभी सोचा नहीं था, आना इसकी शक्ल देखने से ऐसा लग रहा होगा कि इसकी दुनिया लुट चुकी है। ये तब का फोटो है जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया आना, और ये जो पैंट मैंने पहन रखी ना, ये पैंट नहीं है महागुरु जी, ये थैला है, ऐसा लग रहा है मैंने थैला पहन रखा है आना, और एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी दुनिया में कुछ बचा नहीं है। ये मेरा 2001 का फोटो, आज से 19 साल पहले का, फर्स्ट ईयर का जो मैंने एडमिशन लिया। ये मेरा कॉलेज का फोटो है, ये सारे 150 लड़के लड़कियां और ये गोले में मैं बैठा हुआ हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर का फोटो है, वहां से मैं पास आउट हुआ और लगभग लगभग 76% से। मैं बता देता हूँ 2005 में उस जमाने में फर्स्ट डिविजन आना, ग्रेजुएशन में 76% लाना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, आजकल के बच्चे ले आते हैं, आजकल के बच्चे तो 5G पैदा होते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे बड़ा टिपिकल होता था इतनी परसेंटेज लाना, क्योंकि मुझे एक ही चीज लगती थी, केवल पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है ना, मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम नौकरी लग सकते। तो मैं रात और दिन मेहनत करता था, और आप देख सकते हैं, यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे लिखा हो बाकायदा, ये मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है, ये 7.59 CGPA, बाकायदा फर्स्ट डिविजन फर्स्ट क्लास पास आउट में डिग्री करके आया। और थोड़ा सा मैं कॉलेज से बाहर आते आते स्मार्ट सा हो गया था, ये फोटो भी देख सकते हैं है ना, ऐसे करके मतलब मैंने 2005 में मेरा डिग्री कोर्स किया साथियों, कॉलेज पास आउट हुआ, वापस रिटर्न आया राजस्थान, और राजस्थान में आने के बाद में अजमेर में एक जगह है पुष्कर, वहां पे क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, खेतीबाड़ी से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो श्रीराम एक यूरिया कंपनी, श्रीराम फर्टिलाइजर कंपनी है, वहां पे मेरी नौकरी लग गई एज ए फील्ड असिस्टेंट। फील्ड असिस्टेंट यानी किसानों के पास जाता, खाद बीज के बारे में समझाता, दवाइयों के बारे में, फसल के बारे में बताता, और 4500 रुपए की मुझे तनख्वाह मिलती थी, और C300 मेरे पास मोटरसाइकिल थी, और ऐसे किसानों को समझाता था, और ऐसे मेरा जीवन चलता था। दिन भर काम करता था, रातों को मोटी मोटी किताबें पढ़ता था, और 22 महीने बाद लगातार ये काम करने के बराबर 22 महीने बाद मेरी जिंदगी में एकदम आशा की किरण आई, और साथियों मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया, ये तारा चंद्रमा अधिकारी बन गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर SBBJ, जो कि आजकल SBI में मर्ज हो गया, आना डायरेक्ट ऑफिसर बना, मैं अधिकारी बना, एग्रीकल्चर ऑफिसर बना। जुगल किशोर ओझा साहब जो कि हमारे यहाँ पे डबल डायमंड है, उनका गांव रियावड़ी, वहां पे मेरी पोस्टिंग हो गई, और मैं KCC और एग्रीकल्चर लोन देखता था ना। ये 2007 का फोटो है, लेकिन इससे पहले का एक और फोटो है 2006 का। उस फोटो को देखने के बाद में लगता है वास्तु के अंदर कि कैसे मतलब जो है कि जिंदगी बनाई गई है और कैसे जीवन बनाएगा। ये मेरा फैमिली फोटो है जो मैं लगातार बताता हूँ। 2006 में ऐसा मेरा जीवन था ना, और ये मेरे एकदम जो है कि पारिवारिक हालात ऐसे थे, क्योंकि मैं नौकरी लगा नहीं था, घर वालों को एकदम जो है ना बहुत ज्यादा गरीब बना दिया था, 10 बीघा जमीन मेरी बिक चुकी थी है ना, और आप और उस टाइम पे मेरी शादी भी हो गई, बड़ा मुश्किल दौर था घर वालों, क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह होती है, मेरी शादी कर दी गई, नाबालिग शादी हो गई, बच्चे हो गए, और ये देखो बगल के अंदर खड़ा है एकदम कुपोषण का शिकार तारा चंद्रमा है ना। कभी कभी मैं सोचता था कि यार तारा चंद्रमा कभी डॉक्टर बनने सोचा था क्या, से क्या जिंदगी हो गई है। और ये सर गुरुजी ये बगल में देखो, ये पासपोर्ट साइज जो टी शर्ट के अंदर फोटो है ना, इस फोटो को देखने से तो ऐसा लगता है कि कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसे जिंदगी बदलेगी। मैं वहां पे पुष्कर के अंदर फोटो खिंचाने गया बैंक में फॉर्म भरने के लिए, तो फोटो वाले ने बोला कि भाई साहब थोड़ा सा तो मुस्कुराओ, इतना भी उदास क्या हो रहा है। तो मैंने बोला भाई साहब जो है यही है, खींच लो, आपको कहाँ से लेके आए आना, हंसी वाली फोटो कहाँ से लेके आए आना, 6-7 लाख का कर्जा है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और नौकरी लग नहीं रही है ना, और अनपढ़ वाइफ से शादी हो गई, क्योंकि हमारे जमाने में तो अनपढ़ औरतें ही मिलती थी, तो अनपढ़ बीवी हो गई, शादी हो गई, और ऐसे बड़ी तकलीफ भरी जिंदगी मतलब जो है जी रहा था। उसके बाद बैंक में सिलेक्शन हुआ 2007 में, जो ये पहले वाला फोटो है, यहाँ सिलेक्शन हुआ, और बैंक में नौकरी करने के दरमियान ही मेरे को बिजनेस मिला। 1 साल का मेरा नौकरी हो गया था, और नौकरी के दरमियान ही मेरी मुलाकात हुई श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब से, ऐसे ग्रेट मेंटर से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिया, और उन्होंने मुझे एक ही सवाल किया, उस एक ही बात ने मेरे को इंस्टीट्यूट कर दिया, उस एक ही बात ने मेरे को मोटिवेट कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्यों ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। और वो डायलॉग आज भी मैं बताता हूँ, उन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा जो आज भी मुझे याद है। मुझे बिजनेस प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन एक ही सवाल मेरे से पूछा कि तारा चंद्रमा जी एक बात बताइए कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरी से करोड़पति बने, जो तनखा से करोड़पति बने, जो सैलरी से करोड़पति बने। तो मेरा जवाब था कि एक भी आदमी ईमानदारी से जो तनखा लेता है वो करोड़पति नहीं बना। मैं टेबल के नीचे वाले की बात नहीं कर रहा, जो अकाउंट के अंदर जो सैलरी क्रेडिट होती है उससे कोई भी करोड़पति बना नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी मतलब जो है कि बिल्कुल संकोच नहीं किया, और मुझे लगा
कि हाँ रियली में बिजनेस से ही आदमी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि नौकरी में क्या होता है, नौकरी में तनख्वाह आती है एक बार, करोड़पति क्यों नहीं बनता, नौकरी में रही सी क्यों नहीं आती। मैं मना नहीं कर रहा, नौकरी में पैसा आता है लेकिन चला भी जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे प्यारा SMS है जो 2 तारीख को आता है जब सैलरी जमा होती है, आता एक बार है जाता कई बार है, लास्ट टाइम तक तो बचता ही नहीं है। तो मैं नौकरी वाला था, समझ में आ गया और बिजनेस ज्वाइन किया। तो एक ये जिंदगी थी ग्रेट मेंटर महागुरु जी, मेरी जिंदगी एक ये थी। और ऐसे गरीब हालात में मेरा जीवन था, नंगे पांव स्कूल जाया करता था मैं, 8वीं क्लास तक निक्कर पहना करता था, है ना, निक्कर हमें मिलती थी 9th क्लास में, जब हम पास हो जाते तो पूरी पेंट मिलती थी, आजकल तो 3 साल के बच्चे को पूरा फुल पेंट मिलता है ना। तो ऐसे बहुत मतलब दयनीय, मतलब गरीबी भी क्या बताऊं, ऐसी धुआंधार गरीबी देखी जिसकी मतलब जो है कि ऐसे नाम लेता हूं तो डर सा लगता है ना। और मैंने रोडों पे काम किया, मैंने मजदूरी किया, कॉलेज से जब छुट्टियों में आता था तो मजदूरी पे काम पे जाता था, पहाड़ में पत्थर निकालने जाता था, रोड का काम करता था। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ इस बिजनेस को और ऐसे SSS को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, जिसने ऐसी सोच दी। क्योंकि 26 साल तक तो क्या हुआ, 26 साल तक तो हम उस गांव के अंदर एक ऐसी सोच के साथ में पैदा हुए, एक ऐसी सोच के साथ में हमने वो जिंदगी जी जो मतलब जो है ना कि बहुत ही मतलब नरक के समान वो जिंदगी थी। लेकिन ये बिजनेस आया और एक ये जिंदगी थी और आज एक ये जिंदगी हो गई है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परम पिता परमेश्वर का कि सेब सुख जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसे ग्रेट मेंटर मिले, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला, अल्टीमेट अचीवर्स मिला, जिसकी वजह से सोच बदल दी। क्योंकि मनी डजंट मैटर, मनी तो मैं बैंक में भी कमा लेता था, पैसा तो बैंक में भी कमा लेता था, लेकिन आज मेरे को यहाँ पे जिंदगी जो मिली है मैं कल्पनाओं में नहीं सोच सकता हूँ, कल्पनाओं से परे मैं जिंदगी जी पा रहा हूँ ना। आज सबसे बड़ा जो मेरा अचीवमेंट है लाइफ के अंदर, पैसा तो मैं बहुत सारा कमाता, कहीं से भी कमाता, लेकिन इस बिजनेस से सबसे बड़ा जो अचीवमेंट जो मैंने लिया है वो लिया है ग्रेट मेंटर्स की। मेरी वाइफ अनपढ़ थी लेकिन यहाँ सोच दी जिंदगी जीने की, आज वो पढ़ी लिखी हो गई है, वो पढ़ना लिखना जानती है। ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, जो कभी मैं बैंक में रहकर सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि बैंक में रहता और तनख्वाह बढ़ जाती तो क्या होता, ज्यादा ज्यादा एक और भैंस ला के बांध देता घर पे। लेकिन आज यहाँ पे बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी मतलब जो मैं जी रहा हूँ, ये गोले में आप फोटो देख सकते हैं, ये मेरा पहला फोटो है जब मैंने जयपुर के अंदर बिजनेस को देखा। और ये मेरा 3 QAC बना था, QAC बना था, 3 लोगों का मेरा टीम था। मिस्टर ताराचंद, जींस के ऊपर ही टाई लगा के आए थे। और ये दोनों मेरे ग्रेट मेंटर हैं, श्री हरिशंकर जी और श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, जब मैं QAC बना था। और मैं बताना चाहूंगा कि बनने वाला भी जिंदा है और बनाने वाले भी जिंदा हैं यहाँ पे, है ना। दोनों के दोनों बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत जल्दी क्राउन बनने वाले हैं। तो ये मैं QAC था, QAC से मैं ये गोल्ड बना, पर्ल बना, है ना, और टोपाज एमरल्ड बना। और डायमंड का एक ड्रीम होता है, सपना होता था कि मैं डायमंड बनूंगा, है ना। और यहाँ पे मैं डायमंड भी बना 2014 के अंदर मैंने डायमंडशिप ली। और यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट मैंने लिए, कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे अचीवमेंट आएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आजकल की जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, कल्पनाओं में नहीं सोचा था, कभी कभी सपना ही लगता मुझे कि कहीं सपना तो नहीं देख पा रहा, है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक जमाना वो था कि मैं नंगे पांव स्कूल जाता था, 8वीं क्लास तक मैंने कभी चप्पल नहीं पहनी, है ना, है ना। 9th क्लास में जाके मेरे को चप्पल और फुल पैंट मिला। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से 1.5 लाख का राडो वॉच मैं पहनता हूँ, है ना। सोच नहीं हुआ करती थी, जो कच्ची बस्ती गांव के अंदर हम रहते थे, ढाणियों के अंदर रहते थे, वहां पे मतलब जो है ना कि कभी ऐसा बड़े महंगे कपड़े घड़ियां, ये तो बहुत दूर की बात थी, है ना। अचीवमेंट लिया, उसके बाद भागा दौड़ा मेहनत किया। और जब मैं टोपाज था, लगभग 1200 लोगों की टीम पे मैंने अपनी जिंदगी का पहला कार लिया, इटियोस टोयोटा कंपनी का। और 6 दिन तक तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने मेरा अपना गाड़ी है, क्योंकि उस गांव के अंदर जहाँ कच्चे घरों में हम रहते थे, है ना, ऐसी जहाँ मेरे फादर और मदर जिन्होंने पूरी जिंदगी के अंदर मजदूरी करी हो, है ना, जिन्होंने केवल खेती का काम किया, उनके घर के सामने अगर कार चली जाती है तो उनको लगता है कि हाँ ये मतलब जो है ना कि कहीं अचंभा है हमारे लिए, कहीं ना कहीं हमारे लिए सपना है। तो दूसरा कार लिया, उसके बाद में मैंने डस्टर गाड़ी लिया, मैंने, है ना, भागा दौड़ा मेहनत किया और डस्टर गाड़ी ली।
और इस डस्टर गाड़ी को ग्रेट मेंटर मैंने 170,000 किलोमीटर चला दिया। लेना अलग बात है, चलाना अलग बात है। जयपुर में मैं देखता हूँ जिस कॉलोनी के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहता हूँ, आना सुबह शाम पोछा लगा के वापस रख देते हैं, निकलती नहीं गाड़ी। वो केवल संडे संडे की गाड़ी होती है, वीक में एक दिन की गाड़ी होती है, लेकिन इस गाड़ी को मैंने लगातार चलाया। और उसके बाद मैंने ड्रीम बनाया, टारगेट लगाया तीसरा गाड़ी का, और मैं धन्यवाद देता हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, और सैल्यूट करता हूँ ऐसे सिस्टम को, ऐसे बिजनेस को, ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को जिसने इसने सोच दी, जिस गाड़ी का नाम भी मालूम नहीं हुआ करता था कि दुनिया में ऐसी ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज कोई कार भी आती करती है। हम तो सबको मारुति कार समझते थे जो रोड पे चलती थी, सब गाड़ियों को एक ही नाम देते थे, बस मारुति कार, बस मारुति कार। हमें मालूम नहीं हुआ करता था कि दुनिया में बीएमडब्ल्यू जैसा भी कार आता है। लेकिन साथियों, ये सपना सच पूरा हुआ ग्रेट मेंटर्स मेरा। पिछले ही मैंने इस बिजनेस की वजह से और ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से एक और इतिहास बनाया उस गांव के अंदर, उस तहसील के अंदर, है ना, इस बिजनेस के अंदर। और तीसरा गाड़ी मैंने बीएमडब्ल्यू X3 मैंने 75 लाख का महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैंने पिछले ही मैंने परचेज किया, तीन तीन गाड़ियों का मालिक बनाया, है ना। और सच बात तो यह है, अभी भी ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कहीं सपना तो नहीं है। ये एक गाँव के कच्ची बस्ती में रहने वाला जो रोड पे, है ना, आज मुझे कई बार लगता था उसी रोड पे मैं, जब मैं मजदूरी करता था, आज उसी रोड के ऊपर ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी चलाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तु के अंदर ये बिजनेस में नहीं आता तो कार भी, छोटी कार भी बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन मैं रियली के अंदर मैं बारम्बार, हजारों बार, करोड़ों बार, मतलब जो है कि धन्यवाद देता हूँ उस परमात्मा का, ऐसे सिस्टम का, ऐसी ग्रेट कंपनी सेफ सोप का, अल्टीमेट अचीवर्स का, लगातार धन्यवाद देता हूँ। जो सोच सबसे बड़ी बात होती है, सोच की, क्योंकि 26 साल तक मैं ऐसी सोच के साथ जीता था जो एक बहुत छोटी, एक गरीबी वाली सोच हुआ करती थी, बहुत ही मतलब जो माइन्यूट सोच हुआ करती थी। लेकिन लगातार पिछले 12 साल में सोच को ब्रेक किया, मतलब सीमाओं को तोड़ दिया, माइंड को स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से ऐसे बड़े बड़े मतलब जो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। उसके बाद साथियों, मैं गांव में रहता था, कच्चे घर हुआ करते थे हमारे, मिट्टी के घर हुआ करते थे, छान के घर हुआ करते थे, नाले के किनारे हमारा मतलब नाला हुआ करता था, वहां पे हम रहते थे। लेकिन आज इतना शानदार लग्जरी हाउस, है ना, ऐसे गजब के घर में मैं रहता हूँ। 85 लाख रुपए का मैंने घर परचेज किया इस बिजनेस की वजह से, और रॉयल ग्रीन सोसाइटी जो की जयपुर की बहुत ही लग्जरियस और शानदार सोसाइटी जिसके अंदर मैं रहता हूँ, और इस सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े लोग रहते हैं, कर्नल रहते हैं, जज रहते हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है, 650 फ्लैट्स हैं महागुरु जी सोसाइटी में, लेकिन मुझे गर्व होता है और मैं सैल्यूट करता हूँ रियली में आप लोगों को ऐसी सोच दी, 650 लोगों में इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद में अगर सबसे महंगा और गाड़ी अगर कोई चलाता तो आपका ताराचंद वर्मा चलाता है महागुरु जी सोसाइटी के अंदर, है ना। गर्व होता है मुझे इस बिजनेस को, है ना, इतने लोगों के पास में किसी पे गाड़ी नहीं है जो मेरे पास में महागुरु जी। उसके बाद में टारगेट लगाया, 2 लाख रुपए कंपनी देती थी कैपिंग का, है ना, मेहनत किया, और मेरा ड्रीम था कि मेरे ग्रेट मेंटर सब 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, कभी मेरे को भी 2 लाख का चेक आए, तो टारगेट लगाया, मेहनत किया और 2 लाख का चेक भी आया। उसके बाद में कंपनी 4 लाख रुपए देने लगी उसके लिए, उसके बाद में मैंने 4 लाख का भी टारगेट लगाया, मिशन बनाया, और मैं सोचता था कि कभी मैं भी कैपिंग के ऊपर पहुंचूं और ये 4 लाख का चेक मैं लूं। ये 4 लाख का चेक भी मैंने लिया, है ना, और 4 लाख का चेक। और दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी जो इस बिजनेस में जो सोच जो बनी है, 2012 का टाइम चल रहा था, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा था इस बिजनेस को लेके। 2012 में मुझे बैंकॉक जाने का मौका मिला, थाईलैंड जाने का मौका मिला, मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड की। ये मैं बैठा हूँ जहाज के अंदर, और वो दिन मुझे आज भी याद है, और ऐसा लगा मुझे बैठने के बाद में, जब वो जहाज टेक ऑफ हुआ तो 5 मिनट के अंदर वो मतलब जो है ना कि 20-25 हजार की हाइट पे चला गया। तो मेरे दिमाग में एक ही विचार आया कि यार, इतना बड़ा जहाज इतने सारे लोगों को लेके 5 मिनट में इतनी ऊपर चढ़ सकता है तो डायमंड बनना तो बहुत आसान है। मेरी सोच बहुत बड़ी हुई बैंकॉक जाने के बाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, समुद्र देखे, जहाज देखा, दुनिया को समझा, और मैंने वादा करके आया। उस टाइम पे तक मैंने बैंक की नौकरी का डिसीजन नहीं लिया था छोड़ने का, लेकिन मैं कमिटमेंट करके आया, वादा करके आया कि तारा चंद्रमा जिंदगी तो यही जीनी है, काम तो यही करना, इसके अलावा दूसरा काम मतलब करेंगे नहीं, इससे बढ़िया इस धरती का काम हो ही नहीं सकता। जो गांव के अंदर हम जो है ना कि उस चील गाड़ी को देखा करते थे, आना कभी उस हवाई जहाज को हम छूने, पास में भी मतलब जो है कि फटकने का हमारा कोई वो नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से उस जहाज के अंदर इंटरनेशनल ट्रिप हमने करी। उसके बाद में दुबई में गए 2012 में,
सभी सारे ग्रेट मेंटर साथियों के साथ में दुबई गया, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इस बिजनेस की वजह से दुनिया का सबसे बड़ी इमारत देखने का मौका मिला, सबसे बड़ी बिल्डिंग देखने का मौका मिला। उसके बाद मलेशिया गए, हम मलेशिया गए, मलेशिया में ट्विन टावर्स को देखा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्विन टावर है ना। और अभी ग्रेट मेंटर्स के साथ में 2019 में रशिया, रूस जाने का मौका मिला। बहुत ही शानदार जगह है वहां पे, वहां का क्या मौसम है, वहां का क्या क्लाइमेट है, वहां की क्या वादियां हैं। AK-47 चलाई, ब्लू ट्रेन के अंदर बैठे ग्रेट मेंटर्स के साथ में, मतलब जो है घूमने का मौका मिला है ना। ये रशिया रियली के अंदर बहुत ही ग्रेट कंट्री है, आनंद आया है ना, सभी ग्रेट मेंटर्स के साथ में घूमने का मौका मिला और एंजॉय करने का मौका मिला ऐसे शानदार कंट्री के अंदर, जो कि मतलब जो है कि बहुत बड़ा कंट्री है अपने आप में है ना। कभी सोचा नहीं करता था एक गांव का आदमी, एक ढाणी का आदमी, पैसे वालों के लिए हो सकता है कि वो रोज विदेश जाए, पैसे वालों के लिए हो सकता है कि वो रोज कार खरीदे, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। ऐसी कोई चीज छूट ही नहीं रही जो मतलब हमने पूरी ना की हो। ये स्पेन गए, स्पेन ग्रेट मेंटर्स के साथ में, वहां पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड बहुत ही गजब का कंट्री है, वहां पे हमने एंजॉय किया, वहां पे हमने आनंद लिया। ये चर्च है, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च है ना, यहाँ पे हम गए, सारी की सारी चीजें हमने करी, मतलब लगातार आनंद ले रहे हैं। अभी पेरिस जाने का मौका था, पेरिस जाने का टारगेट था ना, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा पाए। और मैं ये सारी की सारी चीजों का धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दोनों ग्रेट मेंटर श्री हरिशंकर जी, जिनकी साथ की वजह से, और ग्रेट मेंटर श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, जिनके आशीर्वाद की वजह से सारी की सारी चीजें हो पाई ना। एकदम जिंदगी यू टर्न हो गई, मतलब कल्पनाओं से परे जिंदगी मतलब मैं जी पा रहा हूँ, जो कभी मैंने सोचा नहीं था। आज तारा चंद्रमा गांव में मतलब जो ना एक छोटी सी जिंदगी जिया करता था, एक छोटी सी नौकरी होती थी, सेलिब्रिटी की लाइफ तक पहुंचाया, एज ए सेलिब्रिटी आज इस बिजनेस के अंदर साथियों मैं जी पा रहा हूँ, इस ग्रेट बिजनेस की वजह से, इस ग्रेट मतलब जो है कि संगत की वजह से, सिस्टम की वजह से, और ग्रेट मेंटर और अपलाइन की वजह से साथियों आज सेलिब्रिटी की जैसी जिंदगी मतलब जो जी पा रहा हूँ, सोच में नहीं थी, कल्पनाओं में नहीं थी। ये जो प्रताप है, ये इस बिजनेस का ये आशीर्वाद है हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जिनकी वजह से मतलब जो है कि एक साधारण आदमी असाधारण आदमी हो गया, लग्जरी लाइफ जी रहा हूं मैं, कंप्लीट लग्जरी लाइफ जिसको हम बोलते हैं, गाड़ी है, बंगला है, घर है, लाख रुपए की इनकम है, देश विदेश की यात्रा है, बच्चे टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारी की सारी चीजें बढ़िया हो रही है। और ये लॉकडाउन के अंदर 7 वीक की इनकम मैं बता रहा हूं, जो मैं अपने फ्लैट से नीचे भी नहीं उतरा था, 7 वीक के अंदर लॉकडाउन के अंदर जो मेरे को इनकम आई इस बिजनेस से है ना, जो बिल्कुल पूरे मतलब मैं ग्राउंड में भी नहीं आया था, कमरे में रह के केवल जूम मीटिंग पे बातचीत करके है ना, 7 वीक की इनकम थी मेरी 8,89,665 रुपया मेरे को यहाँ से आया। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा साथियों कि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कुछ बातें हैं, चंद बातें हैं ना जिनको मैंने किया, क्योंकि बिजनेस हर एक इंसान ज्वाइन करता है, हर एक एसोसिएट ज्वाइन करता है, लेकिन मैंने क्या चीजों को जिंदगी के अंदर उतारा जिसकी वजह से इतना बड़ा मैं अचीवमेंट लेके ले पाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा काम साथियों मैं कर पाया। चंद बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा है ना, जिनको मैंने माना, अपनी जिंदगी के अंदर उतारा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो लग्जरी लाइफ मैं जी पा रहा हूँ, ये जिंदगी का जो आनंद ले पा रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं साथियों जो मैंने पर्सनली जो महसूस किया, जिनको मैंने जिया, जिनको मैंने माना। सबसे पहली चीज मैंने जो की इस बिजनेस में आने के बाद में, लगातार सिस्टम से जुड़ा रहा। जिस दिन से मेरे को सिस्टम की पावर मालूम चली, जिस दिन से मेरे को सिस्टम की ताकत मिली साथियों, मैं सिस्टम से कभी दूर नहीं हुआ। मैं लगातार हर मीटिंग में जाता था, हर फंक्शन में जाता था, ट्रेनिंग के अंदर जाता था, मैं लगातार अपलाइन के संपर्क में रहा, मैं लगातार मेंटर के संपर्क में रहा। सिस्टम की ताकत को मालूम चलने के बावजूद मैं कभी इससे जुदा नहीं हुआ, और आज भी मैं सिस्टम से संपर्क में रहा, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब बताते हैं, वो बल्ब वाली स्लाइड बता देते हैं, जो बल्ब जलता है वो कनेक्शन सही जगह अगर रहता है तो बल्ब में मतलब जो है कि रोशनी आती है, तो मैं सिस्टम से जुड़ा रहा। उसके बाद मैं लगातार सिंगल माइंड रहा, सिंगल माइंड इन द सेंस ऑफ मैंने सिस्टम की बातों को माना, अपलाइन की बातों को माना, मैंने अपना बैंक वाला दिमाग कभी बीच में नहीं लगाया, मैंने बट किंतु परंतु कभी भी नहीं किया, मैं सिंगल माइंड रहा, सिंगल माइंड फॉलो किया, हर चीज को फॉलो किया, मैंने अपना दिमाग कभी भी किसी बात के लिए नहीं लगाया, मैंने कभी भी अपलाइन को समझाने की कोशिश नहीं करी जिंदगी के अंदर कि सर ये ऐसे 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 होगा, मैंने लगातार सिंगल माइंड के साथ में काम किया। तीसरी सबसे बड़ी जो मेरे को जिस चीज ने सफलता दिलाई, जिस चीज ने मुझे सक्सेस दिलाई, वह है मैंने लगातार काम किया।
कंटिन्यूसली काम किया, मैं कभी रुका नहीं, मैं थका नहीं, कभी बैठा नहीं, चेक आया जब भी काम किया, चेक नहीं आया जब भी काम किया, काम चला तब भी काम किया, काम नहीं चला तब भी काम किया। काफी सारे लीडर्स कई बार क्या होता है, चेक आते हैं तो मोटिवेट होते हैं, काम करते हैं और चेक डाउन चला जाता है, कोई परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है तो बैठ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, है ना। 2012 आया राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ बिजनेस को लेके, उसमें भी मैं रुका नहीं, उस टाइम पे भी मैंने लगातार काम किया, मैंने कभी शिकायत नहीं करी अपलाइन से, कभी भी मैंने किसी से शिकायत नहीं करी कि गुरुजी ये क्या हुआ, बस मेरा काम था लगातार प्लान देना, मेरा फॉलोअप करना, मीटिंग को अटेंड करना, ट्रेनिंग में जाना, मैंने लगातार काम किया, कंटिन्यूस काम किया। उसके बाद में ओवर टाइम काम किया, ओवर टाइम का मतलब मेरे को जितना टाइम मिलता था बैंक की नौकरी के बाद में, एक सेकंड मिलता हो चाहे एक घंटा मिलता हो चाहे, जितना वक्त मेरे को मिलता था मैंने इस काम को किया और लगातार इस काम को किया। मैंने कभी बहाना दिया, बहाना नहीं दिया, लॉजिक नहीं दिया कि आज मेरे को बैंक से छुट्टी नहीं मिलेगी या आज मैं शादी में जाना है, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा इस काम को किया। और उसके बाद लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट पे हमेशा मैंने काम किया, मैं लगातार सीडी सुनता था, आज भी सुनता हूँ, ट्रेनिंग सुनता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। और ऐसा बोला जाता है मीटिंग में अगर आते हो तो आपका बिजनेस चलता है, इस बिजनेस के बारे में किसी कहीं सुना था, मैंने पढ़ा था, मीटिंग में आने से ये बिजनेस चलता है और सीडी सुनने से ये बिजनेस दौड़ता है, मीटिंग में आने से ये बिजनेस चलता है, सीडी सुनने से ये बिजनेस दौड़ता है और किताब पढ़ने से ये बिजनेस उड़ता है। मैंने लगातार इन तीनों चीजों पे काम किया जिसकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा। और हमेशा मैंने बड़े बड़े ड्रीम देखा क्योंकि मेरे को ड्रीम की पावर, इस बिजनेस की आत्मा है ड्रीम। अगर आपके पास टारगेट है, अगर आपके पास में गोल है, मैंने एक ही चीज सीखा, मैंने ड्रीम बनाया, टारगेट बनाया और उसको हिट किया, टारगेट बनाया, हिट किया, चाहे वो 2 लाख के चेक की बात हो, चाहे 4 लाख की चेक की बात हो, चाहे वो घर लेने की बात हो, मैंने हमेशा टारगेट बनाया और उसको हिट किया, टारगेट बनाया, गोल बनाया और उसको हिट किया, और अभी भी मैंने गोल बनाया, फिर मैं उसको हिट करूंगा। हमेशा सफलता में विश्वास किया। मेरे को लगता था जब टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब और हरिशंकर जी आना, जब ये डायमंड बन सकते हैं, ये यहां तक पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, इतने सारे लोग यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग सक्सेस हो सकते हैं, तो तारा चंद्रमा तू भी पक्का सक्सेस होगा, तू भी एक दिन जरूर डायमंड बनेगा। इसलिए मेरे को बिलीव था फ्रॉम डे फर्स्ट, पहले ही दिन से मुझे विश्वास था कि तेरे को एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, मेरे को कभी डाउट नहीं हुआ। दिन बाद में पता चला तो गधे को दौड़वाया तो घोड़ों से वो दौड़ ही नहीं पाया, फेल हो गया। फिर उसने बोला कि मैंने बोला था ना पैसा भी लगेगा टाइम भी जाएगा, गधा दौड़ नहीं पाएगा। फिर उसने वापस बोला कि नहीं दोबारा से ट्रेनिंग कराओ, ऐसे 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर वो आखिर में वो हार गया, बोले यार तुम चाहते क्या हो, ये गधा है जीत नहीं पाएगा घोड़ों को। तो उसने एक बात बोली जो मैंने बात पकड़ ली, वो बात क्या बोली, बोले बिल्कुल सही कर रहे हो भाई साहब, ये मेरा गधा है घोड़ों को नहीं जीत पाएगा, लेकिन एक बात मेरे को पता है, जिस दिन गधों की रेस चलेगी, जिस दिन गधे दौड़ेंगे ना, उस दिन मेरा गधा सबसे नंबर वन आएगा, सबसे पहले नंबर पे मेरा गधा आएगा। तो महागुरु जी हम तो यूं मान लीजिए गधे थे इस बिजनेस में आने से पहले, कुछ पता ही नहीं था हमें तो जिंदगी का, लेकिन आपकी संगत में रह के, आपके लगातार मार्गदर्शन में रह के, दौड़ दौड़ के महागुरु जी हम यूं मान लो कि आम इंसान की जिंदगी में तो नंबर वन आ ही गए हैं आपके आशीर्वाद से, वो जिंदगी जी पा रहे हैं जो कल्पनाओं में नहीं सोची थी। तो महागुरु जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे समय दिया, आज मौका दिया अपनी बात बताने की, अपने बारे में बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी ग्रेट मेंटर्स का दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगा आज मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत चलिए, बहुत बढ़िया ताराजन जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया ताराजन जी, बहुत बढ़िया ताराजन जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, इतना इंस्पिरेशनल स्पीच देने के लिए और अपनी टेस्टिमनी बताने के लिए। मैं चाहता हूं ताराचंद जी के लिए एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली, बहुत बढ़िया ताराचंद जी। और उस समय पहले एक ताराचंद जी की अखबार में न्यूज आई थी कि ताराचंद जी का नाम छपा था अखबार में, और उस समय मतलब ये जो आज इन्होंने स्टोरी बताई है तो उससे ये लग रहा है कि डिजर्व करते हैं बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, और बहुत आज भी वो न्यूज सोशल मीडिया पे लगातार घूम रही है इनके नाम के साथ। तो वास्तव में आप बहुत ही एक किस बैकग्राउंड से निकल करके और कहां तक का सफर, ऐसे यदि हम गिनना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान में इस धरती पे बहुत ही कम लोग हैं परसेंटेज में जो मिल पाएंगे, और ये एक हमारे सेफ सोप के अचीवर हमारे ताराचंद जी जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली होनी चाहिए ताराचंद जी के लिए, बहुत बढ़िया, शानदार।
और सभी पूरे अल्टीमेट अचीवर के तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी लग्जरी कार X3 में पहुंचने के लिए, अपना बड़ा टास्क अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।